बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको आई लैशेज एंड आईब्रोज को घना और लंबा करने का बेहतरीन नुस्खा बताऊंगी। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी आई लैशेज को यानी कि पलकों को लंबा और घना कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी थी कि जिनकी आईब्रोज बहुत ज्यादा हल्की हैं, मतलब थिन हैं, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, तो उनको भरने के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं कि आईब्रोज उनकी बहुत ज्यादा घनी है। ऐसा होता है कि अगर हम आईब्रोज बना लेते हैं तो तकरीबन महीना, दो दो महीने, तीन तीन महीने गुजर जाते हैं, उनकी आईब्रोज आती ही नहीं है, तो ऐसे में शेप अच्छी नहीं आती है। और कुछ लोगों की पलकें इस मौसम में बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो गई हैं, तो पलकें गिरना अगर शुरू हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा घनी नहीं आती हैं। तो ऑलरेडी पलकें जिनकी घनी नहीं है, ऐसे में जिनकी पलकें गिरना शुरू हो गई हैं तो बहुत ज्यादा पतली और हल्की हो जाती हैं। तो पलकों को बढ़ाने के लिए और पलकों को लंबा करने के लिए और बहुत ज्यादा थिक करने के लिए मैं सोल्यूशन जो आपको बताऊंगी 15 दिन के अंदर अंदर बहुत तेजी से वर्क करेगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। इंग्रीडियंट्स बहुत शॉर्ट से हैं। इसके लिए कटोरी लेंगे और इस कटोरी में सबसे पहले हम मिलाएंगे वैसलीन या पेट्रोलियम जेली। ये सिर्फ हम इसको एक जेल की शक्ल देने के लिए ऐड करेंगे ताकि हमें लगाने के में आसानी हो। आधा चम्मच मिलाएंगे और उसके बाद हमें चाहिए नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। ये हम मिलाएंगे आधा चम्मच, ठीक हो गया। और उसके बाद हम जो चीज मिलाएंगे वो है विटामिन ई का कैप्सूल यानी कि ईवियन। ये 400 mg है मेरे पास, आप 600 mg का भी मिला सकते हैं, लेकिन 200 का नहीं मिलाएंगे। 200 का अगर होगा तो आप इसमें दो कैप्सूल या तीन कैप्सूल्स ऐड करेंगे, ठीक हो गया। ये आपको मेडिकल स्टोर पे बासानी ईवियन के नाम से मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत सस्ते में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद ये हमारा मेन इन्ग्रीडियंट है, इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ये है फिश लीवर ऑयल। फिश लीवर ऑयल के कैप्सूल्स जो है ये भी आपको मेडिकल स्टोर पे बासानी जो है वो मिल जाते हैं। ये छोटे वाला कैप्सूल आपको 5 रुपए में मिल जाता है, बड़े वाले में भी मिल जाते हैं, लेकिन आपको बड़ा नहीं डालना है, छोटे वाला कैप्सूल आपको ऐड करना है। छोटे वाले कैप्सूल आप दो भी ऐड कर सकते हैं, एक भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में बना के इसको स्टोर करते हो। मैंने तो आपको बनाना सिखाना है, सिर्फ डेमो करके दिखा रही हूं, तो थोड़ा सा ही बनाया मैंने, एक कैप्सूल ऐड किया। आप ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूं। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जेल बनके हो गया रेडी। इसको आप स्टोर कर सकते हैं, महीना भी स्टोर करेंगे तो ये खराब नहीं होगी, दो महीने भी स्टोर करेंगे खराब नहीं होगी। रूम टेम्परेचर पे इसको रख लीजिए, आगे गर्मी आ रही है, फ्रिज के अंदर भी रखेंगे तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। ठंडा ठंडा अप्लाई करने में भी मजा आएगा। रात को सोने से पहले आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरीके से करना है, बेहतर है अपने चेहरे को धो लीजिए, पलकें धुल जाएंगी, सारे दिन की डस्ट मट्टी जो है वो उतर जाएगी। कोई सा भी मस्कारा ब्रश जो है आपका एम्प्टी पड़ा हो, खाली पड़ा हो, जो मस्कारा आप यूज करते हैं उसका ब्रश लें और उसकी मदद से अपनी पलकों के ऊपर इसको अप्लाई करें। अपनी आईब्रोज के ऊपर भी अच्छे से इसको अप्लाई करें, भर के लगाएं, और पलकों के ऊपर भी भर के लगाएं और उसको सारी रात के लिए ओवरनाइट छोड़ दीजिए। सुबह उठ के अपनी पलकों को वॉश करें, आईब्रोज को भी वॉश करें, चेहरा धोएंगे तो वो धुल ही जाएगा, और बस अल्लाह खैर सलाह। इस तरीके से 15 दिन इसको करें, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर आप बहुत ज्यादा चेंज देखेंगे, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा चेंज देखेंगे। इंशाल्लाह आपकी पलकें लंबी होना शुरू हो जाएंगी, थिक होना शुरू हो जाएंगी, आपके आईब्रोज भर भर के आएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी शेप आएगी आपके आईब्रोज की और आपकी पलकें बहुत ज्यादा लंबी और घनी होना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये नुस्खा आपको पसंद आएगा, और पसंद तब आएगा, बेशक आप लाइक तब करिएगा जब आप इसे 15 दिन यूज कर लेंगे, लेकिन 15 दिन बाद आके प्रॉमिस करिए कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और बहुत सारी बातों के बाद फाइनली हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ, और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि सखावत वो खूबी है जो इंसान की कदर उसके दुश्मन के दिल में भी पैदा कर देती है, और कंजूसी वो ऐब है जो औलाद को भी दुश्मन बना देती है। उम्मीद करती हूँ आज के लेसन पे आप गौर करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको सखावत करने की और सखी बनाए, तौफीक दे। अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, खूबसूरती और प्यारे प्यारे बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, आप लोग मेरी दुआ में शामिल हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।